गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र में एक होटल में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक यह महिला एक पुरुष के साथ रविवार रात 8:30 बजे होटल में आई थी। करीब 1 बजे महिला के साथ आया पुरुष ATM से पैसे निकालने के लिए बहाने बाहर चला गया। जब वह काफी देर तक वापस नहीं आया तो होटल कर्मचारियों ने जब कमरे में देखा तो महिला मृत पड़ी थी। आपको बता दें कि पुलिस अब यह जानने में लगी हुई है कि रचना और गौतम के पास में क्या संबंध थे और दोनों कब से दूसरे को जानते थे और आखिर क्यों इस होटल में आकर रुके थे। साथ ही जो पुरुष गौतम रुका था वो अमरोहा का था, वही महिला बागपत की, और यह सभी सवालों के जवाब पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। आज दिनांक 26 दिसंबर को थाना मुरादनगर में दोपहर 1 बजे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह अंकित किया गया था कि कल रात 8:30 बजे एक महिला और एक युवक मुरादनगर के एक होटल में उन्होंने चेक इन किया। आज सुबह वो लड़का एजेंट से पैसे निकालने के बहाने से चला गया और वापस आया ही नहीं। तभी सफाई कर्मचारी ने चेक किया तो उसमें उस महिला का शव मिला। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और आगे की वैधिक कार्रवाई जारी।